दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। हम हैं बल्लभगढ़ में और पार्षद दीपक यादव ने यहां पर निशुल्क आई चेकअप कैंप लगाया है, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता टिप्पर चंद शर्मा भी हैं और फरीदाबाद के पूर्व जिलाधीश जितेंद्र यादव IAS भी यहां पर आए हुए हैं। देखिए, सबका स्वागत किया जा रहा है। कैमरामैन थोड़ा ऊपर करके दिखाइए, आगे चलिए, देखिए तमाम लोग आए हैं, सबका स्वागत किया जा रहा है। ऊपर करके दिखाइए, आगे बढ़ के देख सकते हैं, तमाम लोग हैं, सबका स्वागत किया जा रहा है। नवीन पाराशर भी दिख रहे हैं, SHO सेक्टर 8, वरिष्ठ भाजपा नेता टिप्पर चंद शर्मा हैं, पूर्व IAS वर्तमान में भी हैं और पूर्व जिलाधीश फरीदाबाद जितेंद्र यादव भी यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं और तमाम लोग यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। और इधर दीपक यादव भी हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो निःशुल्क आई चेकअप कैंप है, मैं पढ़ देता हूँ। विशाल निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविर राव राम कुमार पूर्व पार्षद बल्लभगढ़ दीपक यादव निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 42, आयोजक तारा संस्थान उदयपुर राजस्थान, भाटिया सेवक समाज फरीदाबाद। तो मुफ्त ऑपरेशन भी यहां पर है, मुफ्त दवाइयां भी हैं और मुफ्त नज़र के चश्मे भी हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और शिविर है, बहुत सारे लोग लोकेशन जानना चाहते होंगे, शिविर है राजकीय प्राथमिक पाठशाला अहिरवाड़ा मिल्क प्लांट रोड बल्लभगढ़। तो बातचीत भी करेंगे, बाइट चल रही फिलहाल। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर काफ़ी दिनों बाद फरीदाबाद आए हैं, वैसे तो आप फरीदाबाद के जिलाधीश रहे हैं, अभी कैसे आना हुआ सर? देखो, मैं फरीदाबाद से गया नहीं हूँ, रेजिडेंस मैंने 21C में रखा है और फरीदाबाद दिल से वैसे नहीं जाएगा। तो जब आप दिल से बाहर नहीं गए तो फरीदाबाद में रहें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फरीदाबाद में हूँ, रहूँगा और आता रहूँगा बीच में। अभी निःशुल्क कैंप लगा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी पहल है ये, निःशुल्क आई कैंप लगा रहे हैं दीपक जी के अगुवाई में। टिप्पर चंद जी हैं, हमारे हुक्म जी हैं, भाई राकेश है, बाकी पार्षद हैं, तेजपाल जी हैं, बाकी MHC के हमारे सभी ऑफिसर्स आए हैं और वार्ड नंबर 42 के जितने भी नागरिक हैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी पहल है, जैसे टिप्पर जी ने भी बताया कि युवा राजनीति में या युवा जब जब हर क्षेत्र में आएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जैसे दीपक जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि इसमें ये तो आई कैंप तो एक पार्ट है और पूरे वर्ष अलग अलग स्कूल में अलग 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 जगहों पर इन्होंने अलग अलग तरह के कैंप, चाहे वो वैक्सीनेशन से हो, आई कैंप हो, हेल्थ कैंप हो, इस तरह के कैंप के निरंतर लोगों के आयोजन करा रहे हैं। तो उससे ये होगा कि लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी। आपने कोविड में भी देखा है कि पैसा सब कुछ नहीं है, यदि आपके पास स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो ये जागरूकता स्वास्थ्य के प्रतीक भी है और हमारे जो बुजुर्ग लोग भाई, जिनको नेत्र का कोई भी रोग हो, दिख नहीं रहा हो, या मोतियाबिंद की समस्या हो, या कोई और उसको ज़रूरत है, तो जो तारा चंद हमारी फाउंडेशन है उदयपुर की, उनके साथ मिलके इन्होंने ये कैंप लगाया, तो बहुत अच्छा है। और मैं तो यही चाहूँगा कि फरीदाबाद के लोग, जो कि सिविल सोसाइटी है, बहुत ही एक्टिव है, तो इस तरह के काम, मैंने भी 10-12 स्टेट्स में काम किया हुआ है, इतना जो सिविल सोसाइटी में और लोग नागरिक, क्योंकि सरकार सब कुछ काम नहीं कर सकती, हम बार बार कहते हैं, जब लोग जुड़ेंगे तो इस तरह के सिविल सोसाइटी जुड़ के, और दीपक जी एज अ पार्षद ये काम करवा रहे हैं तो सराहनीय है। और मेरा यही उम्मीद रहेगा कि आगे भी फ्यूचर में इस तरह के काम करवाते रहेंगे और लोगों का प्यार और स्नेह इस तरह बना रहे। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे IAS हैं आप और फरीदाबाद में बहुत अच्छा काम किया सर, बहुत तारीफ हो रही। सर आप क्या कहेंगे? मैं बधाई देता हूँ बल्लौर के लोगों को, दीपक भाई जैसे पार्षद, कहते हैं युवा टीम, कमिश्नर ने ठीक बताया, जो युवा टीम आगे आती है ना, कोरोना का एक टाइम आया था, उस टाइम भी दीपक भाई ने, हमारे पार्षद ने, एज ए पार्षद हर गली हर मोहल्ले में इन्होंने कैंप भी लगाए, सभी पार्षदों ने, हमारे राकेश गुजर हैं मेरे भाई, और हुकम सिंह जी हैं, सरपंच साहब हैं, सब लोगों ने, लामा जी हैं हमारे इजपाल जी, सब लोगों ने मिलकर एक तूफान जैसी बीमारी से टक्कर ली, उस टाइम भी इन लोगों ने काम किया और आज तो बहुत सराहनीय काम हुआ है। आँख है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। दीपक जी बड़ी तारीफ हो रही है आपकी। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं यहाँ पे आए, और आज आप देखेंगे तो हमने अपने राज्य के प्राथमिक पाठशाला सब्जी मंडी में आज एक कैंप का आयोजन किया है जो बिल्कुल निःशुल्क है, जिसमें आज हम यहाँ पे जो नज़दीकी चश्मे हैं उनका वितरण करेंगे, और किसी को अगर मोतियाबिंद की कोई परेशानी है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट आज ऑपरेशन आज ही किया जाएगा, उनको लेके जाने का यहाँ पे सारी व्यवस्था है, और लेके भी जाएंगे और छोड़ के भी जाएंगे।
और उसके बाद लेंसेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो इस तरीके कैंप आज कोई पहला कैंप नहीं हमारा, जिससे पहले भी हम संडे अपने वार्ड के हर कॉलोनी में कैंप लगाने का काम कर रहा हूँ। और जिस स्कूल में आज हमने कैंप लगवाया है, आप देखेंगे आपको ये कोई भी जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है आपको प्राइवेट से कम नहीं लगेगा। इस स्कूल में हमने DC साहब और मंत्री जी के और GKN हमारी जो कंपनीज के साथ ही हमारे साथ खड़े हैं, उनके सहयोग से हमने 10 किलोवाट का सोलर पैनल, मैं चाहूँगा आप एक बार दिखाएं, इसमें हमने लगवाने का काम किया। सोलर पैनल लगा दिखा दो एक बार कैमरा घुमा के, सोलर पैनल यहाँ पर लगा हुआ है ऊपर 10 किलोवाट का सोलर पैनल, हमने GKN कंपनी यहाँ पे DC साहब ने पहले यहाँ पे काम किया था, तो उसके सहयोग से हमने यहाँ पे लगवाने का काम किया है। इसी स्कूल में हमने पूरे व्हाइट वॉश आपने देखेंगे ग्रिल, ताकि बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल का काम। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि हमारे जितेंद्र यादव जी जो बहुत ही विनयशील और कर्मशील हैं, जिन्होंने समय अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, ऐसे ही हमारे टिपरचंद शर्मा जी जो हमेशा बल्लभगढ़ के लोगों के सुख दुख के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। तो मैं इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत करूँगा कि आप इतना कीमती समय निकाल के मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पे आए और हमारे लोगों को आशीर्वाद और सम्मान देने के लिए आए। तो आपके वार्ड को ही फ़ायदा मिलेगा या बल्लभगढ़ में कहीं से भी लोग आ सकते हैं? बल्लभगढ़, पूरे बल्लभगढ़ से लोग आ सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि कोई मेरे वार्ड के लोग आएँ 40, 41, 42, कोई पूरे बल्लभगढ़ से जो भी सुविधा का फ़ायदा लेना चाह सकता है। मैंने वार्ड में सब जगह बोर्ड लगवाए, मैसेज सर्कुलेट किए, कोई भी इसका लाभ उठा सकता है। तो कितने बजे तक रहेगा? आज 2 बजे तक रहेंगे, सुबह 10 बजे हमने कैंप चालू किया था। लगभग 250 लोग अब तक इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करा चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है लगभग 1000 तक हम लोगों को आज यहाँ पे कैंप का उसका फ़ायदा लेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद बातचीत के लिए, धन्यवाद। तो देखिए आप लोग, ठीक है सर, प्रोग्राम जारी रखिए, बहुत सारे लोग हैं, बाद में बातचीत कर लेंगे। और कोई कुछ कहना चाहता है सर, कोई बातचीत करना चाहता है? हाँ, तो थोड़ा दिखा देंगे। बहुत सारे लोग लाभार्थी यहाँ पर आए हुए हैं जो चेकअप करा रहे हैं। ये देखिए लाइन में लोग लग चुके हैं और इधर दिखा देते हैं आपको ले चल के, जहाँ पर चेकअप हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बहुत सारे लोग आए हैं, देखिए महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। अम्मा कहाँ से आई हो? बल्लभगढ़ से आई। आँख चेकअप कराने आई हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत आ रही कुछ पता चल? मेरी आँखों में ना ऐसा लगता है कांटे से चुभते हैं। कांटे से? बहुत सारे लोग घर में बैठे रहते हैं, वैसे डॉक्टर के पास नहीं जाते। अगर ऐसे कैंप ना लगे तो आपको पता भी ना चले कि आँखों में प्रॉब्लम हो रही है। सही बात है? हाँ जी, हाँ जी, सही बात, सही बात है ना? सारी बात तो पैसे की परेशानी है। सही बात, 500 रुपए तो हाथ दिखाई के ले ले, हजार का पत्ता, कोई गरीब आदमी ना भर सके पैसा। फायदा मिल रहा है ना? अब तो फायदा है, सरकार नहीं हो तो है। और आँखों में कोई दिक्कत हुई, मोतियाबिंद हुआ तो उसका फ्री में ऑपरेशन भी आज हो जाएगा। हाँ, तो आँखों से बहुत परेशान हूँ मैं तो। कहाँ से आई हो? बल्लभगढ़ से, भूदत कॉलोनी। इनको जानती हो, दीपक यादव को? हाँ जानते हैं। आप सब जानते हो? सब जानते हैं, सारे लोग जानते हो? अच्छा, अच्छा, उसी गली में। चलो देखिए बहुत सारे लोग आए हैं। हाँ, आप भी चेकअप करा रहे हो क्या अंकल? आप भी चेकअप करा रहे हो? हाँ। क्या दिक्कत आ रही, कुछ पता चल रहा है? सिर में दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ तो जरूर चेकअप कराइए। पढ़ती ज्यादा हो क्या? हाँ, पढ़ाई ज्यादा करती हो? ठीक पढ़ती, मोबाइल ज्यादा देखती हो? आजकल जो ज्यादा पढ़ता है उसको भी दिक्कत आ सकती है और जो ज्यादा मोबाइल देखता है उसको भी दिक्कत आ सकती है। हाँ। चलो चेकअप कराओ, आप सारे लोग चेकअप कराओ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पब्लिक थोड़ा ज्यादा आ गई है, जिसको भी कैंप के बारे में ज्यादा दिक्कत है, कोई नहीं, अभी जांच हो जाएगी, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ऑपरेशन भी यहीं पर हो जाएगा फ्री में, और आपके घर पर छोड़ के जाएंगे दीपक यादव। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए उधर लोगों से बातचीत कर लेते हैं। देखिए लंबी लाइन यहाँ पर लगती जा रही, बढ़ती जा रही। ताऊरा राम राम जी, चेकअप कराने आए हो? चेकअप कराने कोई है ही ना यहाँ पे? है तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 10 बजे से कैंप शुरू है और 2 बजे तक रहेगा। हाँ जी, सब आए हो आँखों की जांच कराने? देखिए सारे लोग आँखों की जांच, आपने तो चश्मा लगा भी रखा है। फिर दोबारा करवाने आए हो? फिर से दोबारा? चलो ठीक है, फायदा उठा लो, उठा लो फायदा। ठीक है, देखिए लाइन बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं आँखों की जांच कराने के लिए और फ्री में ऑपरेशन कराने के लिए। इधर देखिए फार्म वारम भरे जा रहे हैं, आइए इधर भी दिखा देते हैं। देखिए ये सारे लोग काम करते हैं, ये देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही है। सबको दिखा दो भाई कैमरामैन, जो भी मेहनत कर रहे हैं, धूप में बैठे हैं, सबको दिखा दो। देखिए यहाँ ब्लड प्रेशर वगैरह भी हर चीज़ जाँच हो रही है। शुगर भी जांच रहे हो भैया? क्या क्या जांच रहे हो बता दो। शुगर, BP इधर नप रहा है और आँखों का टेस्ट उधर हो रहा है।
शुगर बीपी यहाँ पर चेक कर रहे हो? जी जी जी। यानी जो यहाँ पर आएगा शुगर भी पता चल जाएगा, बीपी भी पता चल जाएगा, ये दो फायदे और हैं। प्रॉब्लम होगा तो वो डॉक्टर साहब बैठे हैं तो वो फिर प्रेशर करेंगे, जो भी मेडिसिन होगी वो देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब आंखों के हैं? नहीं नहीं, आंखों का तो जर है, इधर मेडिसिन के हैं वो तो। अच्छा मेडिसिन के डॉक्टर हैं, चलो ये तो और फायदेमंद है, आंखों का भी है और मेडिसिन का भी है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो देखिए बाकायदा पूछ रहे हैं, देखिए पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बाद दवाई भी यहीं पर लिख ले रहे हैं। आइए थोड़ा डॉक्टर साहब से बातचीत भी कर लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। यहीं पर इलाज भी कर दे रहे हैं, दवाई भी लिख दे रहे हैं? सिर्फ दवाई दे रहे हैं सर। अच्छा, अच्छा दवाई दे रहे हैं। क्या नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर रवि शर्मा। डॉक्टर रवि शर्मा, ठीक है सर, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं मेडिसिन के, अगर किसी को थोड़ी मोड़ी दिक्कत है तो यहीं पर दवाई भी दी जा रही है, उधर आंखों की जांच हो रही है, अगर किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन भी आज कर दिया जाएगा। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो आंखों में तो ज़रूर यहां पर पहुंचे, स्कूल हमने बता दिया, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सब्जी मंडी फरीदाबाद, यहीं पर ये कैंप लगा हुआ। कुछ कहेंगे मैडम? नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम राजवाला है। चेकअप कराने आई है या वैसे? नहीं, मैं कुछ मिलने आई थी। अच्छा। लेकिन चेकअप भी कराया था, बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ ठीक है, यहीं रहती हैं? हाँ यहीं रहती हूं। चलो जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए लोग आ रहे हैं, चेकअप करा रहे हैं। हाँ थोड़ा यहाँ पे हो गया, पर्ची बन गई, अभी जाँच होगी। यहीं पे, यहीं पे ऑपरेशन हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। हाँ क्या दिखाई नहीं देता? कोई दिक्कत हो बताना। बैठे रहो, यहीं बैठे रहो, यहीं बैठे रहो। हाँ यहीं बैठे रहो। तो दोस्तों पब्लिक आ रही, फायदा उठा रही। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।